नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे ही होंगे। देखिए, एक नया डोरमेट की डिज़ाइन लेकर आई हूँ, जो आप इसे थालपोश भी बना सकते हैं, डोरमेट भी बना सकते हैं और टेबल मैट भी बना सकते हैं। जो आपकी इच्छा हो वो बना सकते हैं। बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है, बॉर्डर के साथ है, ये पत्तियों के साथ बॉर्डर मैंने बनाई है। तो ये चार कलर में मैं बनाई हूँ और 22 फंदे से छोटा सा ही बनाई हूँ। आपको भी मैं छोटा ही बना के बताऊँगी, जल्दी समझ में आ जाती है। तो देखिए, मैंने चार कलर ले ली है, ये चार कलर से मैं बना के बताऊँगी। देखिए, मैंने 22 फंदे इसमें डाल रखे हैं। तो देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11 12 2 22 फंदे। तो चलिए मैं शुरुआत करती हूँ। पहले क्या करना है, इसमें शुरुआत से ही हम बॉर्डर बनाएंगे ये वाले। उसके लिए हम दो फंदे इसी कलर से बना लेंगे और दूसरी कलर इसमें ऐड। दो फंदे की बॉर्डर है तो दो फंदे इससे बनाऊंगे और दो फंदे इससे बनाऊंगे। दो कलर मिला के बॉर्डर बनती है, तो दो दो कलर हमें मिक्स करूँगी इसमें इस तरह से। देखिए, मैंने 10 फंदे की बॉर्डर बना ली है, 5 1 2 3 4 5, दो दो करके 5 10 फंदे ले लिए हैं जोरा। अब क्या करना है, अब ये हम ये धागा लगा लेंगे और बाकी फंदों को हम इसी तरह से एक एक करके बुन लेंगे, ये पतियों के लिए। तो 10 फंदा ये भी मैं बुन लूँगी और दो फंदे मैं लास्ट के छोड़ दूँगी इस तरह से। ये दो फंदे मैं छोड़ दूंगी और यहीं से पलट लूंगी सिलाई। अब क्या करना है, धागा क्रॉस करके जो जैसा है वैसी तरह से हमें बनाना है। अब देखिए, अब ये बॉर्डर का धागा हम चेंज करेंगे। जो क्रीम कलर का है उसे ब्लू बना लेंगे, जो ब्लू है उसे हम क्रीम कलर बना लेंगे। और ऊपर की साइड ये पत्ती अब बढ़ेगी। देखिए, अब मैं इससे दो फंदे बुन लूँगी तो ये मैरून वाले ऊपर साइड बढ़ेंगे और नीचे के साइड से दो दो फंदे मैं छोड़ूंगी। उल्टी साइड से डिजाइन डालनी है, सीधी साइड से क्या करना है, जो जैसा कलर है उसी कलर से बना लेना है।
फिर आ गई मैं उल्टी साइड, तो फिर से हम धागा इसे चेंज करेंगे। और दो दो फंदे मैं उसी तरह से लूँगी ऊपर की साइड इस तरह से। देखिए तो इस तरह से दो दो फंदे मैं छोड़ लूँगी यहाँ तक, और दो दो फंदे ऊपर की साइड यहाँ तक बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये हाफ कली बनके तैयार हो गया है। अब क्या करना है, मुझे ये पत्ती में दूसरी कलर ऐड करना है। तो यहाँ चार फंदा रहेंगे तभी हमें इसमें पत्ती जोड़ना है। इस तरह से इसमें ऐड करना है पत्तियों को। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है, मैं दो फंदे छोड़ते आती थी, वो दो फंदे अभी भी मैं छोड़ दूँगी और यहीं से पलट लूँगी और सीधी साइड से सारे उल्टे उल्टे बुन लेंगे, जो जिस कलर का है धागा क्रॉस कर लेंगे। अब क्या करना है, फिर से हम बॉर्डर को कलर चेंज करेंगे और दो दो फंदे मैं ऊपर साइड लेकर आई हूँ, उसी तरह से आप दो फंदे नीचे के साइड लेकर जाएंगे इस तरह से। देखिए और नीचे के साइड से जो दो दो फंदे मैं छोड़ रही थी वो अब दो दो फंदे मैं इसमें ऐड करूँगी। इस तरह से अरे यहीं से पलट जाएंगे। फिर से हम इसे धागा चेंज करेंगे इस तरह से, दो दो फंदे हम बढ़ाएंगे। और नीचे के साइड से दो दो फंदे इसमें ऐड करेंगे तो ये डिजाइन इसी तरह से बनेगी। ये सीधी साइड है, सीधी साइड से कुछ नहीं करना, बस उल्टे उल्टे बनाना है। यहाँ पे आके धागा क्रॉस करके और हम बना लेंगे बॉर्डर। एक बार और देख लीजिए, इस तरह से धागा चेंज करना है।
दो दो फंदे इसमें हमें ऐड करना है। और यहीं से पलट लूँगा। तो इसी तरह से मैं ये बना लेती हूँ, ये दो और बना लेती हूँ, फिर यहाँ पर मैं बताऊँगी। देखिए ये तैयार हो गया है। अब लास्ट सिलाई है तो मैं समझा देती हूँ आप लोगों को। पांच, ये पांच लाइन मैंने बॉर्डर बनाई है जो 10 फंदे से बने हैं। तो 10 फंदे यहाँ हैं और 10 फंदे यहाँ हैं, 20 फंदे हो गए। दो फंदे एक्स्ट्रा लास्ट की है तो ये 22 फंदे हो गए। तो देखिए दो दो चार दो छः दो आठ दो दस, 10 फंदे की ये बॉर्डर हो गई है। देखिए इस तरह से आधी कली बॉर्डर यहाँ तैयार हुई, आधा बॉर्डर यहाँ कली की तरह। और ये पूरी पत्ती तैयार हो गई है, आधी इस कलर से आधी इस कलर से। तो देखिए लास्ट सिलाई है, इसी तरह से ये बदलेगी कलर। लास्ट सिलाई में अब ये मैं इसी कलर से बना लूँगी। देखिए अब ये सारे फंदे मैं इसी कलर से बना लूँगी। ये सीधी साइड है, सीधी साइड से भी पहला फंदा उतार लूँगी और बाकी फंदे को उल्टा उल्टा बना लूँगी। देखिए फिर से मैं बॉर्डर की साइड आ गई। देखिए बॉर्डर वाली कली इसी तरह से बनेगी। धागा क्रॉस करके दो दो फंदे इस तरह से बना लेना है। ये तैयार हो गई, ये पूरी पत्ती बन गई है और आधी ये कली बन गई है बॉर्डर वाली। और फिर से हम यहाँ से धागा चेंज करेंगे इस तरह से। फिर से हम इसमें दूसरी पत्ती के लिए कलर इसमें डालेंगे। तो यहीं से हमें कलर लगानी है इस तरह से। यहाँ से मैं इसे खींच लूँगी इस तरह से और इसे लगा लूँगी। तो दोनों फंदों को बराबर बराबर कर लूँगी और नीचे जो दो फंदे हैं ये किनारे की ये मैं छोड़ दूँगी। ये दो फंदे मैं छोड़ दूँगी, यहीं से पलट लूँगी। तो इसी तरह से ये डिज़ाइन तैयार होगी। और दो दो फंदे मैं फिर से इसमें ऐड करूँगी। तो एक बार और फिर मैं दिखा देती हूँ। देखिए इधर से सीधी साइड से बन गई, अब उल्टी साइड से। उल्टी साइड से क्या करना है कि फिर से हम ये धागा बदल देंगे और दो दो फंदे ले लेंगे। अब ऊपर की साइड ये कली बढ़ेगी पत्ती, तो दो फंदे इसमें से मैं इसमें ऐड कर लूँगी इस तरह से। और नीचे के साइड से दो दो फंदे छोड़ते जाएंगे।
तो इसी तरह से ये कली तैयार होगी। देखिए ये कली तैयार हो गई है और दूसरा चालू हो गया है, तो इसी तरह से ये तैयार होगी। ये इस तरह से ये कली तैयार हो जाएगी और ये पत्तियाँ भी इसके साथ तैयार हो जाएगी। तो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। 1 लाख तो बनता है। और जो लोग नए हैं चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगला वीडियो में।